हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि होस्टल वायरिंग कैसे किया जाता है। पहले हम आपको डायोग्राम बताएंगे, उसके बाद फिर उसका हम प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले डायोग्राम बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि होस्टल वायरिंग कैसे किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, हम होस्टल वायरिंग का डायोग्राम बना के रखे हैं। इसमें हमारा चार बल्ब है, एक वन वे स्विच है, वन वे स्विच और थ्री टू वे स्विच है। यहाँ पे एसी मैंने 220 वोल्ट लिख रखा है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है और ये लाइन है, ये होस्टल वायरिंग है। अब इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, आइए पहले हम इसका बल्ब का पूरा मतलब वन वे स्विच से लेके इसका पहले स्विच में पूरा कनेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम बल्ब में कनेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद मेन लाइन 220 वोल्ट एसी हम इसमें देंगे। उसके बाद हम इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। पहले डायोग्राम से आप समझ लीजिए, डायोग्राम इसलिए हम डाल दिए हैं कि आप लोग को पहले इसको समझने में ज़्यादा बेहतर समझ है। आइए इसको हम पहले अब करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले ऊपर वाला पॉइंट में आउट गोइंग होता है और नीचे वाला पॉइंट में इनपुट होता है। ये इनपुट हो गया, ये और आपका ये आउटपुट हो गया। तो आउटपुट वाला पॉइंट से इसमें ये L1 L2 और बीच में कॉमन होता है। ऐसे हम नाम भी दे सकते हैं L1 L2 L3 L4 L5 L6, इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। और जो बीच वाला जो पॉइंट है स्विच का ए और ए वाला पॉइंट बीच का, ये सब हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब इसका हम पहले कनेक्शन करते हैं कि होस्टल वायरिंग का कनेक्शन कैसे होता है। देखिए ये जो आउट गोइंग पॉइंट है ए वाला पॉइंट, इससे हम कॉमन वाला पॉइंट में तार जोड़ दिए। ठीक है, अब जो ए टू वे स्विच में जो नीचे वाला पॉइंट है, इसका हम कनेक्शन कॉमन पॉइंट में करेंगे। इसमें अब जो मेरा ए टू वे स्विच का यहाँ से मैंने पहला लिया आउट गोइंग लिख लो, आउट गोइंग से सीधे टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में चल गया और L1 L2 में से L2 से निकला आपको दूसरा टू वे स्विच का कॉमन पॉइंट में। अब जो ए है टू वे दूसरा स्विच, इसका पॉइंट कॉमन में चला जाएगा। देखिए आउट गोइंग एसी इन किया 220 वोल्ट इनपुट, आउटपुट से निकला जो कॉमन वाला पॉइंट में चल गया टू वे स्विच का, जो निचला L2 से कॉमन में चला गया और L4 से कॉमन पॉइंट में चला गया। अब इसका हम बल्ब में इसका कनेक्शन अब हम करेंगे। पहले
जहाँ बल्ब का दो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से निकल के यहाँ इन करके टू वे स्विच में हमारा चला गया। अब इसका देखिए, ये बल्ब का इसका पॉइंट यहां से निकल के सीधे यहां से आया और सीधे टू वे स्विच में ऊपर L1 में चला गया, और दूसरा बल्ब का L3 में चला गया। ये बल्ब का इसका पॉइंट यहां पे चला गया, L5 में चला गया टू वे स्विच का। अब मेरा एक बल्ब का कनेक्शन बचा है, अब इसका हम कनेक्शन भी करेंगे। वो नीचे वाला जो टू वे स्विच का लास्ट पॉइंट है, इसमें हम करेंगे इसका कनेक्शन। देखिए, इस तरह से हमारा ए लाइन पूरा सर्किट कनेक्शन हो गया। अब हम इसको यहां से देखिए, यहां से लाइन 220 वोल्ट इसमें आया स्विच में, और स्विच में से इन किया और आउट से निकल के टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में चला गया, और कॉमन पॉइंट से L2 से सीधे फिर दूसरा टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में चला गया, और फिर L4 से इसका सीधे कॉमन पॉइंट में चला गया। अब बल्ब का कनेक्शन हम का किए, यहां से बल्ब से लिए और L1 के टू वे स्विच के L1 में हम पहला कनेक्शन कर दिए, और फिर बल्ब दूसरा का L3 में कनेक्शन कर दिए, और बल्ब तीसरा का L3 से बल्ब का L5 में कर दिए, और निचला पॉइंट जो है L6 से हम चौथा बल्ब का कनेक्शन कर दिया। अब इसमें हमारा रह गया न्यूट्रल, इसमें हम इंडिकेट करेंगे।
देखिए हम न्यूट्रल कनेक्शन इसमें कर रहे हैं, ये बल्ब का हमारा है, ये बल्ब का पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है इसी प्रकार होस्टल वायरिंग होता है। देखिए यहाँ से 200 एसी वोल्ट, यहाँ से न्यूट्रल आया, इन किया, इनपुट गया और आउटपुट निकल के इससे कॉमन पॉइंट में चल गया टू वे स्विच का, और जो L2 से है, L2 से दूसरा टू वे स्विच में कॉमन पॉइंट में चला गया, और तीसरा दूसरा टू वे स्विच से जो L4 से है उससे कॉमन पॉइंट चला गया तीसरा स्विच में। और बल्ब का कैसे कनेक्शन हुआ, बल्ब के यहाँ से कनेक्शन जो आया पॉइंट रहता है उससे सीधा चला गया L1 में, और दूसरा बल्ब का कनेक्शन आया जो L2 टू वे स्विच के दूसरा L3 में चला गया, और तीसरा बल्ब का कनेक्शन L5 में चला गया टू वे स्विच का, और जो नीचे वाला पॉइंट है L6 से निकल के हमारा बल्ब चौथा बल्ब में चला गया, और न्यूट्रल हमारा यहाँ से चला से सब में कॉमन हो गया। इसी तरह से होस्टल वायरिंग का कनेक्शन होता है। अब इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि इसको कैसे जला के दिखाते हैं आपको। आइए, जैसे हम आपको डायोग्राम में दिखाए थे कि हमको क्या क्या चीज की जरूरी पड़ेगा, सॉकेट, बॉल होल्डर सॉकेट, होल्डर सॉकेट, चार पीस चाहिए हमको, चार पीस हमको बल्ब चाहिए, बल्ब होल्डर, चार को बल्ब चाहिए, एक वन वे स्विच चाहिए, वन वे एक स्विच चाहिए, तीन को हमको टू वे स्विच चाहिए, हमको टेस्टर चाहिए, साथ में टेप, प्लायर और कटर, ये सब चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, और वायर चाहिए। आइए अब हम इसको कनेक्शन इसका करके आपको हम अब दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। एक वायर लेंगे फेज के लिए, हम ब्लू वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और एक वायर चाहिए इस ब्लैक जो हमारा न्यूट्रल हो। अब इसको हम होल्डर सॉकेट में सेट करेंगे। सेफ्टी के लिए हम इस्तेमाल ये होल्डर कर रहे हैं, ऐसे हम डायरेक्ट भी दिखा सकते थे आपको करके, पर सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है।
जिस तरह से उसमें हम कनेक्शन किए हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। एक न्यूट्रल वायर लेंगे, उसी तरह से इसमें भी कनेक्शन करेंगे। अच्छे से टाइट कर लिए कर लेना चाहिए, ढीला रहेगा तो सॉकेट खराब हो सकता है। तीन बल्ब मेरा तैयार हो गया है, अब एक और होल्डर बच गया है, इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें भी न्यूट्रल वायर दे दे रहे हैं। इस तरह से देखिए, फेज न्यूट्रल फेज न्यूट्रल फेज न्यूट्रल इस चारों बल्ब का हम कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसमें हम
टू वे स्विच का कनेक्शन पहले करेंगे, उसके बाद वन वे स्विच का कनेक्शन करेंगे। देखिए आइए कनेक्शन इसका कर रहे हैं। L2 से जैसे हम आपको डायोग्राम बताए थे, L2 से ये हमारा L2 है, L2 से हम टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट में, ये बीच वाला पॉइंट को कॉमन पॉइंट बोलते हैं, इसमें कनेक्शन पहले करेंगे। अच्छे तरह से टाइट कर लें कि एक्सपायर सर्किट ना करें। अब L4 से L1, L2, L3, L4 L4 से हम तीसरा जो हमारा टू वे स्विच है उसका कॉमन वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। अब देखिए जैसे हम डायोग्राम में आपको बताए थे, अब L1 का ये हमारा जो बल्ब होल्डर है इसका पॉइंट का हम टू वे स्विच का L1 में कनेक्शन करेंगे। ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो गया, ये न्यूट्रल अभी बचा हुआ है, पहले हम लाइन का कनेक्शन पूरा कर लेते हैं। ये जो टू वे स्विच दूसरा जो है L3, ये हमारा दूसरा बल्ब होल्डर का सॉकेट है, इसका तार हम वायर इसमें हम कनेक्ट करेंगे L3 में। अब जो मेरा तीसरा टू वे स्विच बचा है इसमें हम होल्डर का, तीसरा होल्डर का टू वे स्विच का L5 में करेंगे, ऊपर वाला पॉइंट में। अब जो मेरा ये टू वे स्विच का तीसरा जो पॉइंट मेरा बच गया वो होल्डर का चौथा पॉइंट का इसमें हम कनेक्ट करेंगे। देखिए ये तो हमारा सारा कनेक्शन इसमें हो गया लाइन वाला, फर्स्ट होल्डर का L1 में हम कनेक्शन किए, कॉमन वाला भी पॉइंट छूटा हुआ है उस वन वे स्विच का आ जाएगा, और इससे L2 से टू वे स्विच के दूसरा पॉइंट, दूसरा स्विच में कॉमन वाला पॉइंट में चला गया, और L3 L4 से निकल के टू वे स्विच के तीसरा पॉइंट में स्विच में कॉमन में चला गया, और दूसरा बल्ब का होल्डर उस L3 में चला गया, और तीसरा बल्ब का L5 में चला गया, और चौथा बल्ब होल्डर का L6 में चला गया। अब इसमें हम
वन वे का इसका स्विच है, उसको अब हम इसमें कनेक्शन देते हैं। देखिए ये वन वे स्विच है, इसमें इन करेगा 220 वोल्ट इनपुट और ये आउटपुट, आउटपुट पॉइंट में इसको हम जोड़ेंगे। जो टू वे स्विच का पहला टू वे स्विच का कॉमन वाला पॉइंट में चला जाएगा। अब हमारा ये बच गया, इसमें अब हम मेन सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से जो हमारा लाइन आता है इसमें अब हम इन करेंगे इनपुट में। ये हमारा इनपुट हो गया जो वायर जो बोर्ड में चला जाएगा, और ये आउट पॉइंट है, आउट पॉइंट से निकला टू वे स्विच का कॉमन पॉइंट में चला गया, और L2 से निकल के L2 में चला गया कॉमन पॉइंट में, और L3 से L4 से निकल के कॉमन पॉइंट में चला गया तीसरा स्विच का। इसी तरह से इसका कनेक्शन अब हमारा फेज का कनेक्शन हो गया। अब इसमें हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। ये होल्डर का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। इसको हम टेपिंग कर देंगे बढ़िया से। इसी में हम जोड़ देते हैं इसको। देखिए हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन इसमें भी हो गया। यहाँ पे हम तीनों पॉइंट को जोड़ दिए हैं, क्या कि यहाँ पे सर्किट छोटा है मेरा, अगर होस्टर वायरिंग होगा तो वायर उसमें ज़्यादा रहेगा। अब देखिए ये हमारा 220 वोल्ट मेन सप्लाई एसी लाइन और फिर न्यूट्रल दोनों हो गया है। अब इसमें हम बल्ब लगा के इसको हम जला के चेक करेंगे कि मेरा वर्किंग कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। आइए बल्ब लगाते हैं पहले। पहले हम सब स्विच को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम लाइन सप्लाई देते हैं।
देखिए इसमें अब हमारा लाइन आ गया है। अब इसको हम देखिए सप्लाई दे दिए हैं, यहां से हम ऑन कर दिए हैं। अब हम चेक करेंगे, देखिए हमारा ये वर्किंग कर रहा है। देखिए ये जल गया, यहां से हम बुताएंगे तो मेरा ये जल गया, ये जल गया। देखिए ये मेरा स्विच थोड़ा सा खराब हो गया है, इसके कारण से दिक्कत हो रहा है। वहीं अब बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, यहाँ से हम चालू करेंगे तो ये बर्न चलना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ हम इसको बुताएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ जब हम चालू करेंगे यहां से बंद करे तो हम बंद हो गया। अब यहां से हम इन किए तो चालू किए, देखिए यहां से पहले हम इन किए तो ये मेरा बढ़ गया। अब यहां से हम इसको बुताएंगे, यहां से जब हम अगला बढ़ेंगे तो ये हमारा जल जाएगा, यहां से बुताएंगे तो ये जल जाएगा, और फिर यहां जब आगे यहां जब बुताएंगे यहाँ से बुताएंगे तब आगे एक बार की करने लगेगा, यहाँ बंद करेंगे तो, फिर जब यहाँ से आउट करेंगे तो इसको जलाएंगे तो ये जल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ इन करेंगे तो ये जल जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो उसके बाद ये जल जाएगा, और फिर लास्ट में हम इसको बुता देंगे। इन करेंगे तो ये जल जाएगा, फिर अगला गेट पर जाएंगे तो बंद बुताएंगे तो अगला जल जाएगा, और फिर जब यहाँ चालू करेंगे तो ये जल जाएगा, और फिर यहाँ यहाँ चालू करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमारा गोडाउन वायरिंग, क्या गोडाउन नहीं, हॉस्टल वायरिंग होता है इसी प्रकार से। देख लिए, अब यहाँ से हम बुताएंगे, यहाँ से भी बुताएंगे तो बुझ जाएगा, अगला जल जाएगा, फिर यहाँ इन करेंगे तो ये जल जाएगा, फिर यहाँ करेंगे आउट करेंगे तो फिर यहाँ से आप लास्ट में बुता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा इसी प्रकार से हमारा हॉस्टल वायरिंग होता है। जैसे पहले हम फिर से एक बार आप समझा दें, यहाँ से इन किए तो ए जल गया, यहाँ से जब इसको बुताएं तो ए जल गया अगला पॉइंट, फिर यहाँ से बुताएं तो ए जल गया, फिर यहाँ इन किए तो ए जल गया, फिर यहाँ से बुताएं, इस तरह से यहाँ ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से गोडाउन वायरिंग होता है, गोडाउन नहीं हॉस्टल वायरिंग होता है, सॉरी हॉस्टल वायरिंग होता है। हेलो दोस्तों, इसी तरह से हॉस्टल वायरिंग होता है। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।